राम राम भाई सभी को। आज है शनिवार, इसके लिए हम जाएंगे हमारे दादू से मिलने। हमारे दादू को फूल बहुत पसंद है, इसके लिए हम लेंगे फूल। ये हमने फूल तोड़ लिए हैं, फूल तोड़ के हमने कर लिए थैली रेडी और लगा दिए गेट। और गेट को लगाने के बाद गौ माता की जय बोल के हम चल दिए हैं दादू से मिलने। रास्ते में हमको मिले नाना, नाना को राम राम बोल के हम चले गए आगे। दोस्तों अगर आप एक अच्छे सनातनी हो तो आपको हर शनिवार दादाजी से मिलने जाना चाहिए। धूप हो, ठंडी हो या हो बरसात, आपको हमेशा दादाजी से मिलने जाना चाहिए। अगर आप इस जगह को नहीं जानते तो जाके हमारा यूट्यूब वीडियो देखिए। अगर आपको अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं पता तो आप बहुत बड़ा पाप कर दिए हो। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बाथरे जी, आप प्रियांशु बाथरे भी सर्च कर सकते हैं। चाचा जी को राम राम बोल के हम पहुंच गए हमारे दादाजी के घर। ये हमारे दादाजी और ये हमारे भोले बाबा। सबको प्रणाम करके घंटी बजा दी। घंटी बजा के हमने किया दंडवत प्रणाम। जय बजरंग बली। ये है हमारे बजरंग बली। ये हमने इनको कर दिए स्नान। ना हो 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 ना हो। नहलाने के बाद हमारा मन इनको सेंदूर चढ़ाने का करने लगा। इसके लिए हमने ये लालिया तेल, ये लालिया सेंदूर और ये हमने कर दिए लालम लालम लाल। अब हम कर देंगे दादाजी को लालम लालम लाल। ये हमने सबसे पहले इनका ताज उतार दिए हैं और अब हम करने लगे इनको लालम लालम लाल। हमारे दादाजी को सेंदूर कलर बहुत पसंद है, ये हमने कर दिया इनको सेंदूरी सेंदूरी पूरा लाल। और हम ये लगाने लगे अगरबत्ती। जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम। भाइयों हमको हमेशा मंदिर जाते रहना चाहिए, इससे हमारे दिमाग को शांति मिलती है। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, राम राम भाइयों।